अमीन अल्पाचक, वेलकम टू फिट तक। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लैंक वर्कआउट। ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक वर्कआउट है और अगर आप एक बिगनर हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला प्लैंक। हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैंडर्ड प्लैंक विच इज अ फुल आर्म प्लैंक। बट अगर किसी को रिस्ट में पेन रहता है तो आप इसको आर्म की जगह एल्बो प्लैंक भी कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने फीट को हिप विथ अपार्ट रखेंगे, कोर को टक इन एंगेज करके रखेंगे, अपने हिप्स को माउंटेन की तरह ऊपर नहीं उठाएंगे, लेकिन आप अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ प्रेशराइज भी नहीं करेंगे। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन कोर एंगेजमेंट हैज टू बी देयर। यू विल फील एज इफ यू आर पुलिंग योर नेवल टुवर्ड्स योर लोअर लंबर स्पाइन। सो आप इसे फुल आर्म प्लैंक भी कर सकते हैं और आप इसको एल्बो पे जाकर भी कर सकते हैं। कीप योर कोर एंगेज, लेंथन योर स्पाइन। आप अपने नेवल को खींच के रखेंगे अपनी स्पाइन की साइड। इसको माउंटेन की फॉर्म में नहीं करना है, स्ट्रेट फॉर्म में करना है। अपने हाथों को खोल के रखेंगे, अपने स्पाइन से अपनी नेक को न्यूट्रल रखेंगे, ऐसे करके अपनी नेक को क्रेन आउट नहीं करेंगे। होल्ड इट हियर फॉर एटलीस्ट 30 seconds टू 1 minute टू फील दैट बर्न। We'll begin with our commando plank. ये थोड़ा challenging है from a plank in which we are right now. इसके लिए आप अपने elbow से standard arm plank में आएंगे, फिर वापस elbow पे जाएंगे. So up and up, down and down, up and up, down and down. इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। आप अपने hips को sway करके साइड टू साइड स्लिप करके ऊपर नहीं उठेंगे, कुछ ऐसे। आप एल्बो से साइड स्लिप करके ऐसे ऊपर नहीं आएंगे, रेदर आप अपने कोर को एंगेज करते हुए स्ट्रेट ऊपर आने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम एल्बो प्लैंक टू प्लैंक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कमांडो प्लैंक से अब हम चलते हैं हिप डिप्स में। ये बहुत ही पावरफुल वे है अपने कोर को एंगेज करने में। इसमें आप अपने हिप्स को साइड टू साइड डिप करते हैं, जितना लो ले जा सकते हैं आप उतना लो लेकर जाते हैं। ग्रेट फॉर कोर कंट्रोल एंड ग्रेट फॉर ऑल द पीपल हु फील कि उनका पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद बेली फैट इंक्रीज हो गया एंड दे आर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर बेली फैट। सो ट्राई टू एंगेज योर कोर एंड स्विच with your hips side to side. Hip dips के बात करते हैं हम side plank. Side plank के लिए हम अपनी elbows को right under the shoulders रखेंगे, core को engage करेंगे और अपने दोनों feet एक के ऊपर एक align करेंगे। अगर इस तरह से आपको balance करने में problem है तो आप अपने एक feet से support लेकर ऊपर की तरफ pull कर सकते हैं। होल्ड करेंगे इसे भी 30 seconds टू 1 minute। अब हम करते हैं अपना लास्ट प्लैंक विच इज टी रोटेशंस और प्लैंक रोटेशंस यूजिंग योर एल्बोज। अगेन, अगर आपके रिस्ट में पेन है आप टी रोटेशंस की जगह अपने एल्बोज का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप मैट पे आ जाएंगे, अगेन योर आर्म्स राइट अंडर योर शोल्डर्स, कोर को एंगेज करके आप टी रोटेट करेंगे अप एंड बैक, रोटेट अप and back, rotate up and back, rotate up and back. Core पे पूरा control रहेगा आपके और आप इस चीज को pull करते हुए अपनी सभी muscles को engage करके रखेंगे। That's very good thing about plank. Plank workout में आपकी not only the core, आपकी body की सारी muscles engage रहती हैं। आप इसी format को elbows पे कर सकते हैं। Elbows के साथ आप रोटेट करेंगे साइड डाउन एंड साइड डाउन, साइड डाउन एंड साइड डाउन एंड साइड डाउन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सेशन एंड प्रैक्टिसिंग इट ऑल अलोंग विद अस। ये बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से किया जाने वाला वर्कआउट है।
keep watching Fit Talk and stay active.